नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने की भी जानकारी दी। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजाना पैकेज के बारे में जानकारी दे रही हैं। 16 मई को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर रही। इसके तहत कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली कंपनियों पर ध्यान देने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार का मकसद विकास को गति देना और नौकरियां बढ़ाना है। सीतारमण ने क्या क्या ऐलान किए, बारी बारी से बात करते हैं। दूसरे देशों से कोयला मंगाने में कमी लाने की जरूरत है, उन्होंने कहा। इसके लिए कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जाएगा। कमर्शियल खनन की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत प्रति टन के हिसाब से पैसे लेने की परंपरा खत्म की जाएगी। इसकी जगह राजस्व बंटवारे का तरीका अपनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब से कोई भी कोयला खनन के लिए बोली लगा सकेगा और उसे मार्केट में बेच भी सकेगा। अगली बात उन्होंने कही कि कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। खानों से कोयला निकालने के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश खानों से रेलवे तक कोयले को पहुंचाने में आसानी हो इसके लिए किया जाएगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी भी इसके साथ की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। इसके लिए सरकार कुछ हथियारों को बाहर से मंगाने पर प्रतिबंध भी लगाएगी। बाहर से मंगाए जाने वाले कलपुर्जों को भारत में बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में FDI यानी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी 49% से 74%। रक्षा उत्पादों की खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, कठिन शब्द है लेकिन ये होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इससे पहले राउंड में सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास आएंगे। इसके अलावा 2,300 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट भी करना होगा। इसके अलावा 12 एयरपोर्ट में निजी कंपनियों के निवेश से 13,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। अभी भारतीय एयर स्पेस केवल 60% खुला है, इसके चलते उड़ानों को लंबा रूट लेना पड़ता है। इसे ठीक किया जाएगा। इससे एविएशन सेक्टर को हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। साथ ही तेल की खपत और समय भी कम होगा। अभी सिविल और डिफेंस एयरक्राफ्ट मरम्मत के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। ये काम भारत में ही हो, इसके लिए सरकार ने टैक्स को तर्कसंगत बनाया है। आने वाले 3 सालों में एयरक्राफ्ट के पुर्जों की मरम्मत और रखरखाव का काम 800 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए तक का हो जाएगा। एयरक्राफ्ट की मरम्मत रखरखाव में भारत ग्लोबल हब बनेगा। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी DBT के जरिए दी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली की कीमतों की नीति में सुधार किया जाएगा। इससे आम लोगों को, अधिकारों, उद्योगों को बढ़ावा देने और ऊर्जा सेक्टर निरंतरता पर जोर दिया जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके तहत सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। अब 30% केंद्र और 30% राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। बाकी सेक्टर के लिए यह 20% ही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर PPP मॉडल में स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर जैसे रोगों के इलाज में मदद मिलेगी। स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोला जाएगा। इसके तहत सैटेलाइट लॉन्च के लिए सबके पास बराबर मौका होगा। प्राइवेट सेक्टर इसरो का साजो सामान और सुविधाएं इस्तेमाल कर सकेंगे। प्राइवेट कंपनियां भी आने वाले समय में ग्रहों की खोज में मदद कर पाएंगी। सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर रिसर्च रिएक्टर तैयार करेंगी। कृषि सुधारों, किसानों की मदद करने, खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर सुविधाएं तैयार की जाएंगी। ये सारी बातें थी जो 16 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई। और भी जो अपडेट्स होंगे लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिल लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। कैसे जुड़े रहेंगे? हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के जरिए या फिर हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, उसके माध्यम से। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी शक्ति ने और मेरा नाम है अभिषेक। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा।
अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द ललन टॉप।